इज वेलकम टू माई चैनल एबी रॉक टीम। यहाँ पर एर्सनल वर्सेज लिवरपूल के बीच मैच हो रहा है प्रीमियर लीग की टॉप फाइव टीम्स के बीच, जबकि लिवरपूल तो भाई फर्स्ट रैंक पे है। उनकी तो टॉप फाइव छोड़ो भाई, वो तो टॉप थ्री टॉप टू क्या वन पे है वो तो, बट एर्सनल चौथे नंबर पे है प्रीमियर लीग में। बट ये एफए कप लीग का मैच है, बट टीम्स तो दोनों प्रीमियर लीग की हैं, इसलिए मैं वो बात आपको बता रहा हूँ। बाकी बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की एर्सनल और लिवरपूल में, मैं फेवर करूँगा देखिए डबल साइड को। ना मैं कहूँगा कि लिवरपूल जीतेगी, ना मैं कहूँगा एर्सनल, क्योंकि भाई कोई भी जीत सकता है इस मैच में। इस मैच में प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल है, इसलिए भाई हमने एनालाइज तो कर लिया है मैच, वो बात नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन की जहाँ तक बात है तो मैं प्रेडिक्शन अभी नहीं दूंगा। बस मैं मन बता दूं, मैं चाहता हूं कि लिवरपूल जीते, ठीक है, अगर मैं फ़ैन के तौर पे बताऊं। बाकी देखो फ़ैन फॉलोइंग यहाँ चलेगी नहीं, जिसने जीतना है वो जीत के रहेगा, इसलिए मैं टीम डबल साइड बना रहा हूं। तो चलते हैं आगे। तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहला प्लेयर है मोहम्मद सलाह, जो कि बहुत ग्रेट है। एफए कप के अंदर इसको खिलाना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि आगे भी वाई कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, जबकि बहुत बड़ी टीम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छा प्रदर्शन करे। मैं मोहम्मद सलाह को एक बहुत अच्छा प्लेयर मानता हूँ। इसका कंपेरिजन भी बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये खुद ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इसलिए मोहम्मद सलाह इज़ अ मेन प्लेयर। उसके बाद जोटा फिट है, गैक्पो फिट है, डी न्यूनेस फिट है, तो पता नहीं अब किसको खिलाएंगे। अभी आप ऐसा करिए, न्यूनेस को सेव कर लीजिए बट कंफर्म मत समझिएगा। एंड उनके ऑपोजिशन टीम की बात करें तो जीसस को ले लीजिए, जीसस नहीं खेलेगा तो ई नकीतिया को यहाँ पर मैं लूँगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मिडफील्डिंग सेक्शन में, बीस साका जो कि मेन प्लेयर है एंड ऑडेगार्ड। देखिए डेक्लन राइस इस मैच में नहीं आ पाएगा क्योंकि दो प्लेयर ऑपोजिशन टीम के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन वाज डोमिनिक, सेकंड वन वाज जॉन्स, क्योंकि जॉन्स आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े मैचेस में भी प्रदर्शन अच्छा आ रहा है, जबकि जॉन्स का प्रदर्शन गोल लायक नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल ये बंदा गोल भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, जबकि डोमिनिक से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस सी जॉन्स दे रहा है। अगर आप इन दोनों में देखोगे तो डोमिनिक मानता हूँ बहुत अव्वल दर्जे का प्लेयर रह चुका है, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन जॉन्स का प्रदर्शन आजकल अच्छा है, आई एम गोइंग विद जॉन्स डेक्लन राइस की जगह। आगे से बात करें डिफेंडिंग की, देखिए डिफेंडिंग बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं कर सकते हम यहाँ, क्योंकि टी अलेक्जेंडर अर्नोल्ड बहुत जरूरी है, वैरगल विन डिजिक बहुत जरूरी है, ऑपोजिशन टीम में सिर्फ एक प्लेयर जरूरी है जो कि है मैगलेस। बट क्या है कि मैं मैगलेस पे ही रिस्क लूँगा, मैं यहाँ पर देखिए गोमेस के साथ जाऊँगा, मैं आज रिस्क लूँगा, मैंने रिस्क लेना था यार, पहले सोचा हुआ था। एंड गोलकीपिंग की बात करें दैन डी रिया नहीं खेला तो रैम्सडेल खेलना, एक ना एक ने तो खेलना ही है, ये तो एक नॉर्मल बात है, पर डी रिया को और रैम्सडेल को लिवरपूल के अगेंस्ट खेलने का बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लिवरपूल और एर्सनल के ऐसा तो है नहीं, ये दोनों नई टीम्स हैं, इन दोनों के कितने मैचेस होते हैं भाई प्रीमियर लीग में, एक एक सीज़न में कई बार दो दो बार भिड़ जाती है, कई बार तीन तीन बार भी, तीन बार तो बहुत कम होता है लेकिन दो दो बार तो कॉमन है, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पर कप्तान की, देखिए मेरा जो कप्तान है दैट वॉज मोहम्मद सलाह, वाइस कप्तान मैं साका के साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन साका की जगह पर अगर आप मुझसे कोई और प्लेयर पूछोगे तो भाई मैं ऑडेगार्ड की जगह आपको और कोई नहीं कहूँगा, क्योंकि बी साका इज़ जेन्युइन, ऑडेगार्ड इज़ ऑल्सो जेन्युइन, बट बी साका का गोल रेशियो इसलिए अच्छा है क्योंकि इनका पेनल्टी टेकर भी ये है, ठीक है, अभी तक तो यही है, बाकी पता नहीं आगे हैवर्ट्स को बना दें वो मेरे को नहीं पता, वो इनके दिमाग पे डिपेंड है। बाकी ये रही मेरी टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।